हमारे जो विरासत में हमें क्या मिला है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टार्ट, ओके। देयर आर मेनी ओल्ड एंड एंशियंट फोर्ट प्लेसेस टॉम पेंटिंग स्कल्पचर्स इन आर कंट्री। दे टेल अस द टाइम दैट आर लॉन्ग गॉन व्हेन दे हैड बीन बिल्ट। द ग्रैंडियर साइज एंड ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग्स टेम्पल एंड पेंटिंग मेक अस प्राउड। देयर आर इंडियन हेरिटेज थिंग्स दैट इज ऑफ अस हैव हेरिटेज फ्रॉम आर पास्ट। आर हेरिटेज लिंक अस टू आर रूट। हमारे जो कंट्री में बहुत सारे पुराने फोर्ट हैं, प्लेसेस हैं, टॉम्प टेम्पल, पेंटिंग स्कल्पचर्स हैं, ये जो है ये बात को दिखाते हैं कि ये सब बहुत पहले बने हुए हैं। और इसकी जो साइज़ होती है, इसकी जो ब्यूटी होती है इस बिल्डिंग की, टेम्पल की और पेंटिंग्स की, ये हमें प्राउड करना बताती है कि हमें इनकी खूबसूरती को देख के ऐसा लगता है कि ये हमारे कंट्री में ये ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, और ऐसा टेम्पल है जो वर्ल्ड के किसी भी जगह में नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट फर्स्ट जो बिल्डिंग है आर्किटेक्चर, ये पिक्चर आपको देख रहे होंगे, ये किसकी है? तो ताजमहल की है ना। ताजमहल तो सभी मैक्सिमम लोग तो जा ही चुके हैं आगरा, और ताजमहल देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना। फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड द थॉट ऑफ इंडिया ब्रिंग्स अप द इमेज ऑफ द ताजमहल। दिस एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज एक्चुअली मॉसोलियम और अ टॉम्ब बिल्ट बाई द मुगल एम्पायर शाहजहाँ इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। द ग्रैंड साइज ऑफ द बिल्डिंग इज ब्रेथ टेकिंग। इट टुक थाउजेंड ऑफ वर्कमैन ओवर 20 years टू कम्प्लीट द बिल्डिंग। द ताजमहल वॉज कम्प्लीटेड अराउंड 648 CE एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल जो है, ताजमहल का नज़र पूरे दुनिया का जो नज़र है वो ताजमहल पे पड़ा, उसके स्ट्रक्चर पे पड़ा कि ये कैसे बनाया गया होगा जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये जो एक्चुअली में ये जो ताजमहल है वो क्या है, समाधि है या मकबरा है किसका? तो मुमताज़ महल का। मुमताज़ महल कौन थी? तो शाहजहाँ की वाइफ थी। उन्होंने अपनी वाइफ के शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के मेमोरी में इस बिल्डिंग को, इस मकबरे को बनाया था। और इसको बनाने में बहुत सारे हजारों वर्कमैन लगे थे और 20 years, इट टुक 20 years टू कंप्लीट दिस बिल्डिंग। एंड ताजमहल कब कंप्लीट हुआ था? तो 1648 CE में ये जाके कंप्लीट हुआ था। और इसको आज के रेट में दुनिया का सातवां अजूबा में से माना जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फतेहपुर सिकरी, इसकी पिक्चर देख रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना। तो नॉट फार फ्रॉम द ताज इज़ द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर। सिकरी मीनिंग सिटी ऑफ द विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री। दिस फोर्ट सिटी वॉज बिल्ट बाई मुगल एम्पायर अकबर टू मार्क हिज विक्ट्री इन गुजरात। एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट इज द बुलंद दरवाज़ा, टॉल गेट वे लीडिंग टू मॉस्क। ड्यूरिंग हिज रूल अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही।
at Akbar's tomb in Sikandra near Fatehpur Sikri, the four gates leading to the tomb complex represent four religions: Christianity, Hinduism, Islam and Din Ilahi. तो जो फतेहपुर सीकरी है वो ताजमहल से ज़्यादा दूर नहीं है और इसको कहा जाता है जीत का शहर। और ये जो बनाया गया था तो अकबर के द्वारा बनाया गया था, जैसे पर उन्होंने जब गुजरात पे विजय पाई थी तो उन्होंने ये बनाया था। और यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा टाइप स्ट्रक्चर है जिसका नाम बुलंद दरवाज़ा है ना। तो इसमें जो चार दरवाजे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो चारों रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अकबर जो था अपने टाइम में एक नया रिलीजन बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। तो ये चार जो गेट हैं वो चार रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कौन कौन सा रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम और दीन इलाही। ओके, आई होप यू आर स्टैंडिंग। नाउ कम टू रेड फोर्ट। पिक्चर आप देख रहे होंगे, गए भी होंगे रेड फोर्ट, बहुत ही अच्छा है। और हमारे प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं 15 अगस्त को, है ना। तो द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज बिल्ट ऑफ ब्राइट रेड सैंडस्टोन विच गिव अस फोर्ट ऑफ इट्स नेम। द फोर्ट वॉज बिल्ट बाई द मुगल एम्पायर शाहजहाँ इन 1638। द डेकोरेटिव वर्क इन साइड द फोर्ट यूजेज बोथ पर्सियन एंड इंडियन आर्ट स्टाइल। द रेड फोर्ट सिम्बोलाइज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन इंडिया। तो ये जो फोर्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ, तो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, इस वजह से इस फोर्ट का नाम रेड फोर्ट है। और इसका जो ये जो बनाया गया था वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था 1638 में। और इसका जो आर्ट है, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है वो इंडियन स्टाइल और पर्सियन स्टाइल दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। और इन 1947 इट वाज हियर दैट ब्रिटिश फ्लैग वाज ब्राउट डाउन एंड द इंडियन फ्लैग होस्टेड टू सिम्बोलाइज India's independence from the British rule. By tradition on independence day, the British Prime Minister hoist the national flag and address the nation from the ramparts of the Red Fort. तो जो ये बिल्डिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री में जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला था तो 1947 को ब्रिटिश फ्लैग को निकाल के इंडियन फ्लैग यहाँ पर होस्ट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हर साल क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करते हैं, है ना। और हम लोग जाते हैं, देखते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना। पुराना किला, द पुराना किला इन दिल्ली आल्सो नोन एज ओल्ड फोर्ट इज कंसीडर्ड टू बी द साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ द सिटी बिल्ट बाई पांडवास ऑफ द महाभारत। Although now in ruins, the fort has high walls and lofty gateways. One tower in the fort hosts a library where the Mughal Emperor Humayun slept to his death. तो पुराना किला जो है ये इंद्रप्रस्थ, पहले पुराने ज़माने में इस जगह को इंद्रप्रस्थ कहते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बिल्डिंग है वो पांडव के द्वारा बनाई गई थी, जो महाभारत वाला पांडव था ना, वही पांडव के द्वारा बनाई गई थी। और उस समय से क्या होता है कि ये मतलब कि थोड़ी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हुमायूं था उन्होंने लाइब्रेरी बनाया था, तो उनकी जो डेथ हुई थी यहीं पर हुई थी। उन्होंने कि वो क्या होता है स्लिप कर गए थे लाइब्रेरी से और उनकी डेथ हो गई थी, है ना। हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली, द प्लेस वेयर हुमायूं लाई बरीड इज ब्यूटिफुल मोनूमेंट मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल। द डिज़ाइन ऑफ द टॉम्ब वॉज बिल्ट बिफोर द ताजमहल इज बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंसड द डिज़ाइन ऑफ ताज। हुमायूं टॉम्ब हैज़ बीन चूजन एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को। तो ये जो हुमायूं है ये मकबरा है, हुमायूं टॉम्ब जो है मकबरा है किसका, तो हुमायूं का मकबरा। ये जो बनाया गया था उसकी वाइफ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और जो ऐसा माना जाता है कि ताजमहल जो बना है इसी बिल्डिंग से इन्फ्लुएंस होके बना है,
है ना, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इज़ अ टॉल टावर दैट राइजेज टू अ हाइट 72 मीटर। इट इज़ अ टॉलेस्ट ब्रिक एंड मेसनरी टावर इन द वर्ल्ड। द टावर हैज़ इंट्रिकेटली कार्व्ड वॉल एंड बालकोनीज। द मीनार वॉज बिल्ट बाई फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो कुतुब मीनार है वो बहुत ही लंबा टावर है। कितना इसकी हाइट है तो 72 मीटर है, और ये ब्रिक का बना हुआ है और पक्का ब्रिक का बना हुआ। और क्या होता है कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स दीवार है और बालकोनी है। तो इसको किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, है ना। आयरन पिलर, द कुतुब कॉम्प्लेक्स देयर इज़ अ 7 मीटर हाई पिलर मेड ऑफ ऑलमोस्ट प्योर आयरन। दिस पिलर वॉज रेज्ड इन द मेमोरी ऑफ गुप्ता किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिलर इज दैट द थॉट दैट इट वॉज मोर देन 2000 ईयर्स एगो, इट हैज़ नॉट रस्टेड। तो ये जो है कहाँ पे है, तो कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स में ही है, और ये प्योर आयरन का बना हुआ है। ये जो है गुप्ता किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के याद में बनाया गया था। तो ये जो इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि कहा जाता है कि 2 साल पुराना बिल्डिंग है, फिर भी ये अभी तक मतलब कि बर्बाद नहीं हुआ। ठीक है, अब है, अब आते हैं कुछ टेंपल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कोणार्क टेंपल, जिसको सन टेंपल भी कहते हैं। ठीक है, तो द सन टेंपल इज़ लोकेटेड एट कोणार्क इन उड़ीसा। द टेंपल इज़ इन द फॉर्म ऑफ जाइंट चैरियट ऑफ सूर्या और द सन गॉड बींग पुल्ड बाई 7 माइटी हॉर्सेज। दिस स्टैंड फॉर द जर्नी ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई फ्रॉम डाउन टू डस्क। द ह्यूज 24 स्टोन व्हील्स लाइन द बेस ऑफ द टेम्पल। 7 horses रिप्रेजेंट द 7 days इन अ वीक। देर आर 3 stone images ऑफ सूर्या विच कैचेज द रेज ऑफ द सन एट सनराइज आफ्टरनून एंड सनसेट। द टेम्पल इज इंट्रिकेटली कार्व्ड एंड सो ह्यूज द सेलर्स कुड सी इट फ्रॉम द सी। तो सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में है ना, कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा में है। तो ये जो सन टेम्पल है, तो जो सूर्य देवता है उनको ये रिप्रेजेंट करता है कि वो रथ पर बैठे हुए हैं किसके साथ, तो 7 घोड़े के साथ, और उनके जो व्हील है वो उसमें 24 stone है। 24 stone wheel जो है वो 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है ना। और क्या होता है कि इसमें हर एक टाइप की जो इमेज है, मतलब कि जो सूर्य की जो इमेज है, 3 stone image है, जो कि सनराइज आफ्टरनून और सनसेट में रोशनी उसकी आती है। टेम्पल इतनी ज़्यादा कार्व्ड है कि जो सेलर्स होते हैं समुद्र में वो भी इसको देख सकते हैं। द दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू इन राजस्थान आर अमंगस्ट फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जैन टेम्पल इन द कंट्री। दे आर बिल्ट बिटवीन 1000 to 1200 CE। द मार्बल कार्विंग इन द टेम्पल आर सो फाइन दैट दे लुक लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट लेस। जो ये दिलवाड़ा टेम्पल है ये माउंट आबू में है, और ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जैन रिलीजन का। और ये कब बना था? 1000 और 2000 CE के बीच में बना था। ठीक है, और ये इतना खूबसूरत है कि सेमी ट्रांसपेरेंट की तरह लगता है। ठीक है, अब आते हैं सांची स्तूप के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सांची द बुद्धिस्ट स्तूपा इन सांची एंड सारनाथ इन बिहार वे बिल्ट बाई एम्परर अशोका अराउंड 300 BCE।
In the Sanchi Stupa, there are four gateways called Toranas. This Torana shows Buddha in different stages of his life. जो बुद्धा ये जो सांची स्तूप है वो अशोका के द्वारा बनाया गया था 300 BCE में. इसमें जो है चार गेटवे जो जिसको तुराना कहते हैं और ये बुद्धा के लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो द स्तूपा इट्सेल्फ रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ द लोटस जो है वो बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, बो ट्री हिज इनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है और व्हील जो है इनकी टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है ना. अब आते हैं पेंटिंग पे. इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग बोथ वॉल एंड मिनिएचर पेंटिंग. द पेंटिंग एट अजंता एंड एलोरा केव्स आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंशियंट वॉल पेंटिंग. तो हमने देखा कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और टेंपल्स हैं. उसके बाद हम पेंटिंग के बारे में, हमारे जो हेरिटेज है पेंटिंग्स भी है. तो पेंटिंग्स दोनों हैं, वॉल पेंटिंग्स भी है, मिनिएचर पेंटिंग्स भी है ना. तो एलोरा और अजंता में जो है बहुत सारे पेंटिंग्स बने हुए हैं. द ऑल्सो अमेजिंग आर द केव पेंटिंग भीमबेटका. भीमबेटका में केव पेंटिंग भी बना हुआ है. ठीक है, और वॉल पेंटिंग को क्या कहा जाता है, फ्रीकोस भी कहा जाता है. ठीक है, अमॉन्ग द मिनिएचर पेंटिंग सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस आर राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग. तो मिनिएचर पेंटिंग जो है उसमें राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है. तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. देन आई विल मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू. ओके, गुड बाय.